खबर इंदौर से, बाईपास से गुजर रहे गरीब मजदूरों की सेवा व्यवस्था को विस्तार देने के लिए इंदौर क्रेडाई की यूथ विंग द्वारा प्रतिदिन करीबन 10,000 लोगों के लिए भोजन पैकेट, पाले जी बिस्कुट, सेव परमल, पोहे, खरबूज, तरबूज व पानी की व्यवस्था की जा रही है। क्रेडाई की यूथ विंग के 10 सदस्यों ने इसका बीड़ा उठाया है। यह कार्य न्यूयॉर्क सिटी बाईपास एवं मृदंग गार्डन से किया जा रहा है। इस कार्य में लॉकडाउन के नियम के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। आपदा की इस घड़ी में भूखी गोमाता के लिए आज न्यूयॉर्क सिटी किचन से पूरी गोमटगिरी गौशाला, पूरी पंचमुखी हनुमान मंदिर विजयनगर गौशाला एवं पूरी शनि मंदिर कनाडिया रोड गौशाला पर भेजी गई। क्रेडाई की यूथ विंग ने बाईपास से गुजरने वाले 8-10 हज़ार मजदूरों को भरपेट भोजन के साथ चप्पलें भी दी जा रही है, जिससे गर्मी में उन्हें नंगे पैर न चलना पड़े। लॉकडाउन के चलते लाखों मजदूर परिवार के साथ पलायन कर अपने घर लौटने को मजबूर है। खबर भारतवर्ष के लिए नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।